बेड़ियां भी टूटती है समय मुकम्मल आने पर, बाधाएं भी दूर भागती दिल से जोर लगाने पर। अभी बहुत सारे छात्र ट्रेन के सफर में हैं, रेलवे सीबीटी 2 का एग्जाम देने के लिए कुछ निकल चुके हैं, कुछ निकलने के प्रोग्राम में हैं। सबों को बधाई हो, मुबारकबाद हो, और उम्मीद रखते हैं कि हर कोई अपने मुकाम को पाके आए। इसी उम्मीद के साथ शुरुआत किए थे, प्रोबेबिलिटी पार्ट 1 का चर्चा किए थे, कहते जल्द ही प्रोबेबिलिटी पार्ट 2 भी रिलीज करते चलेंगे। तो आज प्रोबेबिलिटी पार्ट 2 में से कुछ महत्वपूर्ण पार्ट को सिर्फ फोकस करते चले जाते हैं, टू द पॉइंट। फिर कहे थे जैसा कि डिटेल से हर पार्ट का वीडियो इत्मीनान से बनाते चलेंगे, लंबा लंबा 10-10, 12-12 पार्ट में परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी सबको उठा के बढ़ते क्रम से बढ़ते चलेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो के लास्ट में मैंने कहा था कि प्रोबेबिलिटी का बेस कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन होता है, तो मेनली फोकस एग्जाम के तत्कालिक एग्जाम को ध्यान में रख के करके चलेंगे। तो थोड़ा सा हिंट करते हैं कॉम्बिनेशन का, ताकि आपके एग्जाम के फेज तक पहुंचने में वो आपको मदद करे। सबसे पहले कॉम्बिनेशन का सीधा सीधा मतलब समझिए। कॉम्बिनेशन हिंदी में सीधा सीधा समझिए कि ग्रुप में से चयन करना, चुनना, यही है कॉम्बिनेशन। अब जैसे 10 के समूह में से 2 को चुनना, तो ये चुनने का कुल कितना तरीका हो सकता है, यही है आपका कॉम्बिनेशन। फॉर्मूला के फेज का बात करें तो NCR, N के समूह में से R को चुनने का तरीका NCR कहलाता है। फॉर्मूला हो जाता है फैक्टोरियल N डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल R इनटू फैक्टोरियल N माइनस R। सबको साइड करके चलेंगे, अभी कहे कि टू द पॉइंट सिर्फ चर्चा करेंगे, क्या है फॉर्मूला साइड कीजिए। बस आप इतना समझिए कि 17C2 है, इसको सॉल्व करना है, तो फैक्टोरियल N फैक्टोरियल R को साइड कीजिए। बस ये देखिए 17 में से 2 चुनना, तो 2 स्टेप 17 को डाउनवर्ड डायरेक्शन में ले जाइए, 17 × 16, और नीचे कर दीजिए फैक्टोरियल 2 मतलब 1 × 2, काट के लिख दिए, हो गया NC17C2। कह दिया 7C3, आप बस 7 को 3 स्टेप डाउनवर्ड में ले जाइए, 7, 6, 5, 3 स्टेप पूरा हो गया, नीचे फैक्टोरियल 3 मतलब 1 × 2 × 3 काट के लिख दिए, 7 × 5, 35, यही कर देना। ये NCR क्या होता है उसको साइड कर लीजिए। हाँ, NCR ही हो को यूं भी फॉर्मूला में लिखा जा सकता है, NC N-R भी। क्यों कहे, अब कम समय है तो उसकी चर्चा को साइड कीजिए। ये सब फेज इसका ठीक ठीक मतलब यही समझिए। मान लिया जाए कि 15C या 13 दे दिया आपको सॉल्व करने के लिए, तो अब तो थोड़ा टफ काम दिखता है कि 15 को 13 स्टेप डाउनवर्ड डायरेक्शन में लेके चले, फिर उसको काटे सॉल्व किए। तो इसी का मतलब ये समझिए कि 15C 13 कहे या 15C और 15 13 का डिफर 2 कहे, दोनों का मतलब एक ही हुआ। वहीं से ये फॉर्मूला भी रहता है, NCR को ही कहते हैं NC N-R कहते हैं। तो अगर 15C 13 कहा तो उसको आप समझिए 15C दोनों का डिफर 2। अब अगर इसको सॉल्व करना होता तो 15 2 स्टेप डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो 15 × 14 और नीचे फैक्टोरियल 2, तो 1 × 2 काट दिए, लिख दिए, हो गया, कहानी खत्म। तो NCR को फॉर्मूला अलग कीजिए, वनडे के हिसाब से ढाल लीजिए, यूं डील करते चलिए। अब करना क्या है, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है, कॉम्बिनेशन का यूज कैसे करते हैं, इन सारी कहानी को लेके बढ़ते चलते हैं।
ओवरऑल पूरे प्रमोटेशन कॉम्बिनेशन को अभी साइड करके फोकस प्रोबेबिलिटी को लेके करते चल रहे हैं। और जैसा कि पिछला वीडियो में भी हमने कहा था कि पूरे प्रोबेबिलिटी के लिए कम समय है, उसको ध्यान में रख के, प्रोबेबिलिटी खुद में बहुत विस्तृत पार्ट है, लेकिन कम समय के अंदर निपटाने के लिए बस इतना ही समझिए। कहीं अगर एंड शब्द का यूज करता है, हिंदी नाम कह सकते हैं और, एवं, तथा, इस सब का, और दूसरा और को हिंदी में कह सकते हैं या, अथवा, इस सब शब्द का कहीं भी प्रयोग वनडे में दिख रहा हो तो बस कहे पूरे प्रोबेबिलिटी में कम समय को ध्यान में रख के इतना ही समझिए कि एंड जहां भी यूज शब्द का कर रहा है हिंदी में और, एवं, तथा, तो इसका मतलब आप सिर्फ समझिए कि मल्टीप्लाई करने को कह रहा है। और हिंदी में या, अथवा, ये सब जहां भी बोला जा रहा हो इसका मतलब समझिए प्लस। कोई भी घटना घटने की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कहलाता है, नंबर ऑफ इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं कि प्रोबेबिलिटी कहां से कहां तक लाई करता है। अब बस इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। जितने भी डिजाइन से मुलाकात होगी सबके लिए बस यही दो शब्द समझते रहिए, एंड का मतलब गुना और का मतलब प्लस। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकालना है तो नंबर ऑफ इवेंट में नंबर ऑफ सैंपल स्पेस से भाग दे देना। अब ये नंबर ऑफ इवेंट है क्या, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस है क्या, चर्चा उसकी करते चलते हैं। जैसे कहते हैं, मान लिया जाए कुछ गेंद का ही समूह है, कह दिया एक थैली में चार लाल, तीन पीला, दो हरा, इसमें से तीन को रेंडमली या द्रिक्षिक। अब उसके बाद आपसे कुछ सवाल पूछ देता है कि कंडीशन डाल दिया कि ऐसा हो, वैसा हो, ऐसा ना हो, वैसा ना हो। हिंदी में जो भी बोला जा सकता है इस लाल पीला हरा के बीच में, वो कुछ भी सवाल हो सकता है। तो अब जैसे जैसे मर्जी हो इसके राउंड आपसे सवाल पूछा जा सकता है। जैसे आपसे सवाल ये पूछ दिया कि इसमें कह दिया तीन चुना है, अब कह दिया दो लाल और एक हरी हो, अब इसकी प्रायिकता आप बताइए। कहे आपको कुछ नहीं करना, एक सवाल अभी चर्चा कर रहे थे, ये सैंपल स्पेस नंबर ऑफ इवेंट में नंबर ऑफ सैंपल स्पेस से भाग देना, यही है प्रोबेबिलिटी। अब पहले शुरुआत करते हैं नंबर ऑफ सैंपल स्पेस ही। तो सैंपल स्पेस का मतलब कैसे चुनना है इससे कोई लेना देना नहीं, बस आप देखिए आपके पास समूह था क्या, चार लाल था, तीन पीला, सात दो हरा, सात दो नौ था, और उसमें से तीन को चुनने को कहा गया। तो झुंड आपके पास नौ था और तीन को चुनने को कहा गया तो 9C3, ये हो गया आपका सिंपल स्पेस। अब कैसे चुना गया, तो जो शर्त चुनने का रखा गया वही है इसका इवेंट। अब शर्त क्या रखा, तो दो लाल होना चाहिए, तो लाल जब भी होगा तो लाल में से ही चुन सकते हैं, तो लाल आपके पास चार है और उसमें से दो होना चाहिए, और का मतलब एंड मतलब कहे गुना, एक हरा हो तो हरा आपके पास दो है और उसमें से एक हो, बस आपका काम है
इसको चुन के लिख देना। अब इसको बेसिक सिंप्लीफाई करना तो कहे फैक्टोरियल, इसका मतलब चार को दो स्टेप डाउनवर्ड में सजाए तो चार गुना तीन, अब बटा दो करते तो बारह में से बारह दो से कटा तो छ, एन सी वन मतलब एन नीचे हो गया, नौ को तीन स्टेप करते तो नौ आठ सात, अब बटा में हो गया छ तो नौ आठ सात, इसके नीचे छ तो छ को ऊपर ही कर देते हैं। 36 का डबल 72, 72 कट गया तो प्रोबेबिलिटी हो गया 1/7, प्रायिकता इसकी क्या होगी तो 1/7। मान लिया जाए नेक्स्ट सवाल आपसे दे दिया, कह दिया तीन को चुना और कह दिया तीनों अलग अलग रंग की हो, अलग अलग रंग की हो। बस आप ये देखिए, अलग अलग रंग मतलब तीन है, तीन टाइप का रंग भी है। सिंपल स्पेस हमेशा कहे आपको कि बस इतना ही कि टोटल झुंड था कितना, नौ चुना कितना तीन, तो 9c3 सिंपल स्पेस हो गया। अब रही बात इवेंट की, तो कह रहा है तीन है तीनों अलग अलग, मतलब एक इससे एक इससे एक उससे, एक लाल से तो चार में से एक, और एक पीला में से तो चार में से एक, सॉरी पीला आपका तीन है तीन में से एक, और एक हरा में से तो दो में से एक। अब सॉल्व कर दीजिए तो सबके नीचे एक ही है तो एक स्टेप करेंगे तो वही रह गया, तो चार तीन दो यहाँ नीचे तो नौ, तीन स्टेप बढ़े नौ आठ सात, डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल तीन मतलब छ, ये 36 का डबल करते 72 दो बार में कट जाता, ये 72 से तो ऊपर दो और नीचे हो जाता सात, तो प्रोबेबिलिटी हो चुका 2/7। मान लिया जाए आपसे ये कह दिया तीनों लाल हो अथवा दो पीला और एक हरा हो। बस आपका काम इतना है कि सैंपल स्पेस के वक्त कभी नहीं देखना है कि कैसे चुना, सैंपल स्पेस में बस इतना देखना है कि टोटल कितना था, तो चार तीन सात दो नौ, चुना कितना तीन, तो सैंपल स्पेस हो गया 9c3। अब बात है आपका कि ये चुनना कि कैसे चुना, तो वही हुआ इवेंट, तो चुना कैसे, तीनों लाल तो लाल चार है, इसमें से तीन का तीनों हो तो ऐसा हो। अब कहा अथवा, अथवा मतलब प्लस दो पीला और एक हरा हो, तो दो पीला हो तो तीन में से दो हो, और एक हरा हो तो हरा आपके पास है दो और उसमें से एक हो। बस इसी को सॉल्व करके लिख देना, 4c3 को 4c1 भी कह सकते थे, तो ये हो गया 4, ये 3 गुना 2 और बटा फैक्टोरियल 2 तो 2, तो ये हो गया 3, ये हुआ 2, नीचे हो गया आपका 9, 8, 7 बटा फैक्टोरियल 3 का मतलब 6, 6 ऊपर चला जाएगा, ये 6, 4, 10, 6 से ये कट ही जाएगा आपका, 3 और 2 कट गया तो 12, 12 गुना 7 या 2 से और काट देते हैं तो 6, नीचे हो गया 42, ऊपर हो गया 5, तो 5/42 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। बस इसमें आपको इतना ही करना है कि टोटल कितना चुना गया, झुंड कितना था, तो 9 का था 3 को चुना का मतलब सिंपल स्पेस अस्थाई फिक्स हो गया, 9 में से 3 चुना तो 9c3, तो नीचे का हिस्सा फिक्स। अब ऊपर का हिस्सा तो जैसे चुनने को कहा गया वही हो गया आपका इवेंट, ऊपर लिखते जाइए, नंबर ऑफ इवेंट में नंबर ऑफ सैंपल स्पेस से भाग देते चले गए, यही कहलाई प्रायिकता।
बढ़ते हैं आगे। बराबर सवाल आता है कि कम से कम, अधिक से अधिक, तो कुछ सवाल वहां से भी लिखते जाते हैं। जैसे कह दिया तीन को चुना, अधिक से अधिक एक पीला हो, बस शर्त पीला के लिए लगा दिया कि ज्यादा से ज्यादा एक पीला हो, मतलब हुआ कि उससे ज्यादा ना हो। आप बस ये देखिए पीला आपके पास है कितना, तीन, अब बाकी वाला है कितना, तो चार दो छ। ज्यादा से ज्यादा एक पीला का मतलब पीला जीरो हो सकता है, पीला एक हो सकता है, एक से ज्यादा पीला नहीं हो सकता। तो अगर पीला जीरो होगा तो उस समय अदर में से कितना चुना जाएगा, तीन, और अगर पीला एक हुआ तो उस समय अदर में से चुना जाएगा दो। यही बंटवारा कि अगर पीला के समूह में से जीरो लिए तो बाकी के समूह में से तीन, और अगर पीला के समूह में से एक लिए तो बाकी के समूह में से दो। सिंपल स्पेस के लिए अस्थाई कहे हैं कि था कितना नौ, चुना कितना तीन, तो नाइन सी थ्री। अब शर्त है कि ज्यादा से ज्यादा एक पीला तो हो सकता है, जीरो पीला तो अदर तीन, तो जीरो पीला तो तीन में से जीरो और बाकी अदर है छ, छ में से तीन, अथवा अथवा मतलब प्लस इस तीन में से एक हो सकता है, तो थ्री सी वन और सिक्स सी टू एंड सिक्स सी टू। सॉल्व करके लिख दिए, यही हो गया आपका प्रायिकता। मान लिया जाए सवाल कह दिया आपसे कम से कम एक लाल हो। कम से कम एक लाल का मतलब क्या हुआ, मिनिमम एक, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है। तो यही सब जगह के लिए कहा जाता है उल्टा डील करना, वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश। तो ये जरूरी नहीं है कि उल्टा ही डील करें, सीधा भी डील किया जा सकता है, उल्टा चलने पर थोड़ा आसान होता है। तो पहले सीधा करते हैं, फिर उसको उल्टा चलने का प्रयास करेंगे कम से कम के लिए। जैसे लाल के लिए कंडीशन रखा तो रेड आपके पास है चार और अदर आपके पास हो गया पांच। करें कम से कम एक लाल, मतलब एक लाल हो सकता है तो उस समय बाकी दो होगा, दो लाल होगा तो बाकी एक होगा, तीन लाल हुआ तो बाकी जीरो हो सकता है। मतलब एक इसमें से तो बाकी में से दो, या दो तो बाकी में से एक, तीन तो बाकी में से एक। सिंपल स्पेस के लिए अस्थाई कहे कि टोटल नौ है, अब तीन को चुना तो नाइन सी थ्री। अब सीधा चलते तो इस चार में से एक चुना तो फोर सी वन और इस पांच में से दो चुना तो फाइव सी टू, अथवा इस चार में से दो चुना तो फोर सी टू, इस पांच में से एक चुना तो फाइव सी वन, अथवा तो प्लस इस चार में से तीन चुना तो फोर सी थ्री और इस पांच में से जीरो चुना तो फाइव सी जीरो। यही हो गया आपका, सॉल्व करके लिख दिए तो प्रोबेबिलिटी। अब फर्क क्या आया कि कम से कम एक जब कहा तो ऐसे चुनना शुरू किए तो काफी लंबा चौड़ा स्टेप हो गया। इसको सॉल्व करने में समय खपत कहीं ना कहीं ज्यादा होता है, तो इसी वजह से कहा जाता है कि उल्टा बनाना, और एक फॉर्मूला यूज होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश्ड का। मतलब जैसा कहा ठीक उसका उल्टा निकालना। तो ये उल्टा निकालना है क्या, अब कहानी उसकी कर रहे हैं। सवाल ये पूछा था कि कम से कम एक लाल हो, लाल था आपके पास कितना चार, अदर कलर का था तीन दो पांच। सवाल पूछा था कि कम से कम एक लाल हो, आप बना लीजिए कि जब एक भी लाल ना हो। काढ़ा एक हो, आप कह रहे कि कोई नहीं हो, तो ये जीरो होगा तो सब कहां से होगा, तीन ही चुना है तो यहां से कितना होगा, तो तीन, जब इसमें से जीरो तो इसमें से तीन। अब सीधा अगर बनाते तो नीचे सैंपल इस उल्टा बनाए तो नाइन सी थ्री हुआ, ऊपर
चार में से जीरो और पांच में से तीन, ये तो एक हो गया। यहाँ आते तो ऊपर वाला तो पांच चार तीन या फाइव सी टू भी इसको पढ़ सकते थे, तो पांच गुना चार बीस बटा दो तो दस। नीचे हो गया नौ आठ सात बटा फैक्टोरियल छ, तो इसको भी काट लेते तो बारह, बारह दो से कटता तो पांच बटा बयालीस। अब ये तो ऐसा क्वेश्चन का मांग था नहीं, तो ठीक उल्टा किए। तो यहीं पर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकालने के लिए जब उल्टा निकाले एक में से जो निकाले उसको घटा दिए, 42 में से 5 घटेगा तो 37 डिवाइडेड बाय 42, यही हो गया कि कम से कम एक लाल हो इसको निकालना। इसमें कैलकुलेशन कम होगा, वैसे चलने सीधा चलने पे कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा होगा, यही दोनों के बीच फर्क है। इसी तरह कभी अब लाल पीला हरा नीला में से चुनने को दे दिया, तो कभी हो सकता है कहता है कोई कॉलेज है 10 लेक्चरर है 6 प्रोफेसर है 8 रीडर है, उसमें से 4 को चुन लिया, प्रोफेसर हो लेक्चरर हो रीडर हो ऐसा हो वैसा हो ऐसा ना हो वैसा ना हो, ये सारा सवाल जैसे लाल पीला हरा नीला गेंद में से निकालना होगा, ऐसे ही लेक्चरर प्रोफेसर रीडर में से चुनना है। अब कह दिया, मान लिया जाए कि तीन चुना और तीनों लेक्चरर, तीन चुना सभी लेक्चरर हो, तो तीन चुना तो 10 6 16 16 और 8 24 में से तीन चुना तो सिंपल स्पेस लिख दिए 24C3। अब सब लेक्चरर हो तो लेक्चरर 10 है तो 10 में से तीन हो गया, इसको सॉल्व करके लिख दिए, कहानी खत्म हो जाती है। तो कभी लाल पीला हरा नीला गेंद में से, कभी लेक्चरर रीडर प्रोफेसर में से, कभी बॉय गर्ल में से कि ऐसा टीम हो वैसा टीम हो ऐसा ना हो वैसा ना हो, तो इसी को चुनना, सैंपल स्पेस से भाग दिए। जहाँ भी एंड का यूज किया तो आप समझते जाइए गुना, जहाँ भी और का यूज किया वहाँ समझते जाइए प्लस। थोड़ा सा चर्चा सिर्फ कार्ड का करते हैं। कार्ड में चार कैटेगरी एक कैटेगरी के है हर्ट शेप, एक कैटेगरी के है डायमंड शेप, एक कैटेगरी को कहा गया क्लब शेप चीरी, एक कैटेगरी को पान। इस दोनों का कलर ब्लैक होता है काला, इस दोनों का कलर रेड होता है। हर कैटेगरी में 13-13 कार्ड होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जितना भी कार्ड है तो 13-13 चारों कैटेगरी, तो कुल मिला के 52 कार्ड हुआ करता है। अब उसमें हर कार्ड में इक्का से शुरू होके ए से शुरू होके 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 उसके बाद जैक किंग क्वीन, ये सजा होता है। हर कैटेगरी के कार्ड में ये सब एक एक उपलब्ध होगा। कहने का मतलब अगर जैक की बात करें तो इसमें भी एक जैक, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। अब आपको जैसे चुनते थे लेक्चरर रीडर प्रोफेसर में, जैसे चुनते थे लाल पीला हरा नीला में, वैसे ही आपका भी काम कार्ड में भी चुनना। बस कार्ड में अलग अलग आपको पता होना चाहिए कि ताश की गड्डी है का मतलब टोटल 52 पत्ती है। लेकिन अगर लाल रंग का कहा तब 13-13 26 पत्ती है, काले रंग का कहा तब 13-13 26 पत्ती है, उसमें से आपको चुनना है एक कार्ड को। जैसे मान लिया जाए, कह दिया कि ताश की गड्डी से एक चुना, वह बादशाह, इसकी प्रायिकता बताइए। तो चुना कहां से, ताश की गड्डी से एक चुना,
तो ताश की गड्डी से चुना मतलब 52 में से एक चुना तो सैंपल स्पेस हो गया 52C1। अब वह कैसा हो तो बादशाह हो। ताश की गड्डी में हर कैटेगरी में एक एक बादशाह, तो कार्ड में टोटल बादशाह कितना 4, और 4 में से एक हो तो 4C1। सॉल्व कर दिए, ऊपर 4 नीचे 52 1/13 रिजल्ट हो गया प्रायिकता। मान लिया जाए आपसे कह दिया ताश की गड्डी से 2 चुना 1 काले रंग का बादशाह और दूसरा लाल रंग की बेगम हो। बस आप देखिए कि ताश की गड्डी से 2 चुना तो ताश की गड्डी 52 और 2 चुना तो 52C2। अब कराए वह उसमें से एक काले रंग का बादशाह, अब सिर्फ बादशाह नहीं कह रहा है काले रंग का बादशाह। तो काला रंग तो दो ही कैटेगरी का पत्ती है, दोनों में एक एक बादशाह है, तो काले रंग का कुल बादशाह 2 है और उसमें से एक हो तो 2C1। यही कह देता सिर्फ बादशाह हो तब 4 बादशाह होता है तो 4C1। और दूसरा एंड गुना दूसरा लाल रंग की बेगम हो, सिर्फ यहाँ भी बेगम नहीं कहा है, कहा है लाल रंग की, तो लाल रंग में तो एक बेगम इसमें एक इसमें, तो बेगम कितना है 2 और 2C1 2 में से एक हो। जबकि यही ये कह देता कि नहीं लाल ये सिर्फ कह देता बेगम हो तो सिर्फ बेगम, तब कुल बेगम 4 और उसमें से एक हो, इसको चुन लेना। तो जो कहानी वहां थी वही कहानी यहाँ भी है, बस अंतर यही है कि कार्ड में आपको सब कैटेगरी पता होना चाहिए कि कार्ड में कहाँ कितना कितना पीस पत्ती होता है, कौन कार्ड कहाँ होता है। मान लिया जाए कभी कह दिया काले रंग की पत्ती में से एक को रेंडमली खींचा या दृक्षिक रेंडमली, एक आध बार एग्जाम में और हिंदी थोड़ा जटिल यूज कर चुका है, लिखा था उसको ऐसा अटकल पच्चू विधि। तो कभी कभी हिंदी नाम बेतुका बेतुका नाम भी मिलेगा जो लगेगा पहली बार सुन रहे हैं, ऐसा ऐसा नाम एग्जाम में प्रयोग कर चुका है, तो इंग्लिश को थोड़ा फोकस करके चलिएगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। यादृच्छिक चुना, कह दिया वह लाल रंग का बादशाह, कुछ उल्टा हटके काले रंग की पत्ती में से चुना, अब ताश की गड्डी में से नहीं चुना, काले रंग की पत्ती में से चुना, तो काले रंग का पत्ती आपके पास कितना है 26 और उसमें से एक चुना तो सैंपल स्पेस तो हो गया 26C1। अब कह रहा है वह लाल रंग का बादशाह, तो चुन रहे हैं काला के झुंड में, तो काला के झुंड में कहीं लाल का कोई अता पता होगा, कहीं कोई पता नहीं, क्योंकि चुनने को ही ताश की गड्डी में से नहीं चुन रहे हैं, चुन रहे हैं काला के झुंड में, तो काला के झुंड में कोई लाल होगा ही नहीं तो 0, मतलब प्रोबेबिलिटी उसकी 0। तो शॉर्टकट में 10-20 मिनट में एक फेज विशेष को, ताकि थोड़ा बहुत अटेम्प्ट ले सके, थोड़ी बहुत उसकी चर्चा किए, लेकिन जब अभी तात्कालिक एग्जाम को ध्यान में रख के शॉर्टकट में फेज को रिलीज करते चले जा रहे हैं, आगे इत्मीनान से एक एक पार्ट प्रॉपर कंप्लीट पैकेज के तौर पर रिलीज करते चलेंगे, तो नए सिरा से फिर से प्रमोटेशन, फिर कॉम्बिनेशन, फिर प्रोबेबिलिटी, एक पूरा का पूरा फेज बना के लंबा फेज में दौड़ को लेके बढ़ते चलेंगे, क्रम आगे जारी रखेंगे, तब तक जो फेज है तात्कालिक एग्जाम के को ध्यान में रख के
करते चल रहे हैं, तो ये पड़ाव यहीं तक रहने देते हैं, फिर आगे का क्रम बढ़ाते चलेंगे।